तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी बीच एक और बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ गई आपको बता रहे हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर। दरअसल सीएम मनोहर लाल की यह बड़ी घोषणा की गई है, संत कबीर के नाम पर होगा मुख्यमंत्री आवास का नाम। मुख्यमंत्री आवास अब संत कबीर कुटीर के नाम से जाना जाएगा। रोहतक में राज्य स्तरीय कबीर जयंती पर सीएम ने यह घोषणा की है। तो ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कबीर जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बड़ी घोषणा की है। राज्य स्तरीय कबीर जयंती में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। तो आपको बता रहे हैं कि सीएम मनोहर लाल की ये बड़ी घोषणा है। दरअसल मुख्यमंत्री आवास अब संत कबीर के नाम पर जाना जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास आज से संत कबीर कुटीर कहलाएगा। तो कबीर जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बड़ी घोषणा की है। संत कबीर के विचार और शिक्षाओं पर चलने वाला आदमी हूं मैं। जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचूंगा तो मेरे सरकारी आवास का नाम संत कबीर कुटीर रहेगा। मेरे सरकारी आवास का नाम संत कबीर कुटीर रहेगा, ऐसा मैं आज घोषणा करता हूं। तो इस खबर पर अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है, मुख्यमंत्री आवास अब संत कुटीर के नाम से जाना जाएगा। देखिए बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री रोहतक में राज्य स्तरीय कबीर जयंती समारोह में शिरकत कर रहे थे और यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है, जहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास का जो नाम है वो संत कबीर के नाम पर जो है होता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री आवास को जो है आज से ही संत कबीर कुटीर के नाम से जो है कहलाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे इस पर जो फैसला है जो है होता हुआ जो है नजर आ जाएगा। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो आज रोहतक में जो राज्य स्तरीय कबीर जयंती समारोह था उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर संत कबीर के नैतिकता मानवता की सीख जो है जिस तरीके से उनके दोहों में देखने को मिलती हुई नजर आती है उसकी बढ़ाइयां जो है वहां पर जो है वो करते हुए नजर आए थे। और उन्होंने साफ तौर पर अब ये बड़ी घोषणा कहीं ना कहीं की है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री का आवास है तो उसका नाम जो है वो अब चेंज होता हुआ नजर आएगा। पहले इसका नाम हरियाणा निवास हुआ करता था लेकिन अब उस नाम को चेंज करके संत कबीर कुटीर जो है कहा जाएगा। चलिए ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।